गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब आप लोग पूछोगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो मैडम आपने ख़त्म कर दिया था, तो ठीक है, मैंने वो एनिमल्स के बारे में जो ह्यूमन बींग्स के थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो कम्प्लीट हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप लोग सोचते हो कि प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो उसमें इतना डेवलप नहीं होता है जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है इस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होते हैं। अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में नहीं हो पाता तो कैसे प्लांट एक सीधा एक ग्रो सीड डालते हो तो वो सीधा ग्रो करता, या फिर आप उसका कलरिंग होता प्लांट्स में, प्लांट्स कलरफुल होते, एक सीजन में ही प्लांट ग्रो करते। इसलिए उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसमें भी कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म होता है। अब उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको कंट्रोल करता है उसका हार्मोन्स। उसमें भी हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन्स होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं। दूसरी बात कि उसमें भी बहुत तरह के मूवमेंट्स होते हैं, और जो कि प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसको वो कंट्रोल करते हैं, उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं होता है कि भाई ब्रेन होता है उसमें। ह्यूमन बींग्स में आपको पता है ब्रेन होता है, ग्लैंड्स होता है, तो उसमें प्लांट्स में ब्रेन्स तो नहीं हुआ लेकिन उसमें हार्मोन्स होता है। और आपको एक बात और बता दें कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। सबसे पहले इसका पता जेसी बोस ने लगाया था, एक साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बसु, कि प्लांट में भी मूवमेंट होता है। आपने देखा होगा कभी कुछ किसी छुई में को प्लांट को, जिसे हम लोग इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, लाजवंती प्लांट बोलते हैं, या बहुत सेंसिटिव प्लांट है, उसको अगर हम लोग टच करें तो वो सिकुड़ जाती है, क्लैप्स कर जाती है, वो एक साइड मुड़ जाती है, जैसे हम लोग छुई मुई की तरह ना। तो उन्होंने पता लगाया था कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन वो उस तरह का मूवमेंट नहीं होता है जिस तरह से हम लोगों का मूवमेंट होता है। यानी हम लोगों के मूवमेंट को लोकोमोशन बोलते हैं, जैसे कि हम लोग का लोकेशन चेंज होता है। अगर हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, उस साइड चले जाएंगे, कुछ दूर पे चले जाएंगे तो हमारा लोकेशन चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारे मूवमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। और मूवमेंट होता है जैसे कि अब हम एक जगह फिक्स है खड़े, और हमने अपने हाथों को हिलाया, सर को हिलाया, पैर को हिलाया, मतलब एक जगह खड़े होकर, तो वो हमारा मूवमेंट हुआ। तो प्लांट में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। लेकिन अब एक बात और बता दें कि प्लांट्स में भी लोकोमोशन होता है, लेकिन उसमें कुछ जो बहुत प्रिमेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि उसमें फ्लैजिला होता है, शीलिया होता है, जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉस होता है, तो वो सब में थोड़ा बहुत आपका लोकोमोशन बोला जाएगा। वो स्विमिंग करते हुए एक गैमेट्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं ना, तो वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हुआ उसका। लेकिन अब हायर एडवांस में चले जाइए, ज़्यादा इसमें चले जाइए एडवांस प्लांट में, तो उसमें क्या होता है कि मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कैसे होता है? उसके किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, यानी स्टेम में होता है, उसके रूट में होता है, उसके फ्लावर्स में होता है, उसके बड में होता है। जैसे ब्लूमिंग ऑफ ब्लड बड यानी कली है वो फूल बन गई, तो वो एक तरह का मूवमेंट हुआ है ना। इसी तरह राइपनिंग ऑफ रूट, फल जो है वो पक गया तो वो मूवमेंट हुआ। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं उसको कोई गाइड कर रहा होता है। बोलो कौन गाइड कर रहा होता है? तो उसको गाइड कर रहा होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कोई ऐसी चीज़ जैसे कि सनलाइट हुआ, केमिकल, वाटर, सपोर्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको गाइड करती हैं, और जैसे जैसे वो उसको गाइड करती हैं वैसे वैसे प्लांट उसी साइड मुड़ता है। तो ये हुआ उसका मूवमेंट। तो इस पूरे मूवमेंट को, प्लांट के मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। यानी कि ट्रॉपिज्म क्या होता है? एक तरह का गाइडेंस होता है। वो गाइडेंस कौन करता है? एक्सटर्नल स्टिमुलाई करता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में आपको केमिकल हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गया, लाइट हो गया है ना, ये सब चीज़ जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे प्लांट्स करेंगे है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक। इसलिए प्लांट में मूवमेंट टू टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है प्लांट्स में मूवमेंट? एक होता है ट्रॉपिक और एक होता है नेस्टिक। क्या हुआ? एक होता है मूवमेंट प्लांट में ट्रॉपिक और एक होता है नेस्टिक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट होता है कि जैसे कि कोई भी प्लांट है वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो गया, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे प्लांट उस तरफ जाएगा। जैसे कि आपका सनफ्लावर है, वो जिधर जिधर उसका स्टिमुलाई क्या हुआ? सनलाइट हुआ। तो जिधर जिधर सनलाइट जाएगा
उधर उधर सनफ्लावर भी उस साइड ही जाएगा, तो यानी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो अपनी स्टिमुलाई के ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना। जैसे आपका अब ये आप इसी तरह से ग्रेविटी है, तो आप देख लीजिए ग्रेविटी में क्या होता है, ज़मीन के नीचे है ग्रेविटेशन और ऊपर है सनलाइट, तो रूट जो है वो क्या है, रूट जो है वो हमेशा ज़मीन के नीचे जाता है, यानी वो पॉजिटिव, वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसका स्टिमुलाई उसको नीचे खींचता है, और स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ जाता है, ग्रो करता है, ऊपर ग्रो करता है और रूट नीचे जो ग्रो करता है, तो जब वो नीचे ग्रो करेगा तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया, और जो स्टेम जो है वो ऊपर जाता है तो वो हो गया सनलाइट की तरफ, यानी फोटोट्रॉप्स में वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हो गया है ना। तो इसमें क्या होता है ट्रॉपिक में कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे जैसे गाइड करता है वैसे वैसे प्लांट मूव करता है। अब पूछ लो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या क्या होता है, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपका हो गया वाटर, आपका हो गया ग्रेविटी, आपका हो गया सनलाइट, आपका हो गया टच, आपका हो गया सपोर्ट, आपका ये जो भी सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं प्लांट को अपनी तरफ, है ना। इस एग्जांपल तो आपको बता दिया है ना, तो ये आपका ट्रॉपिज्म हो गया, यानी ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक इसको मूवमेंट बोलते हैं। तो ये आपका 5 टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का, 5 टाइप्स का। तो एक बात और जान लीजिए कि जो प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं वो स्लोली होते हैं, हम लोगों के जैसे नहीं कि दौड़ गए, जिस तरह किसी भी डायरेक्शन में दौड़ गए, चल लिए फोर लिम्ब से और हैंड लिम्ब से, वो उनकी मूवमेंट बहुत स्लोली स्लोली होती है, उनमें भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन उसका जो मूवमेंट का ग्रोथ तो इसको हम नहीं बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो एक जगह फिक्स होकर उनके डिफरेंट ऑर्गन्स मूव करते हैं। तो वो जो है एक जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, कौन सा डायरेक्शन, जो उनका स्टिमुलाई बोलेगा। लेकिन जो नैसिक मूवमेंट होता है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें स्टिमुलाई होता है, लेकिन वो अपने स्टिमुलाई को भी फॉलो करते हैं और चारों तरफ अपना डायरेक्शन में वो घुमा देते हैं, तो दोनों में ये फ़र्क है। दूसरे वह है कि इनका जो मूवमेंट होता है ये तो मैंने बता दिया कि ऑर्गन्स में होता है, तो ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट जो ट्रॉपिज्म बोलते हैं प्लांट मूवमेंट, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रॉपिक और एक ये नेस्टिक। तो आप समझ गए, तो ट्रॉपिक मूवमेंट 5 टाइप्स का हुआ। पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। आपको पता है फोटो क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट, यानी कि वैसे प्लांट जो अपने स्टिमुलाई, उनकी स्टिमुलाई यहाँ पर क्या हो गई, लाइट, उस साइड बढ़ते हैं, उसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। यानी जनरली प्लांट जो है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं वो इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, उनको सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली होते हैं वो फोटोट्रॉपिज्म, वो लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, और उनका एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है, उनका लाइट है, वो उस साइड बढ़ते हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सेकेंड हो गया जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म वैसे प्लांट, वैसे उनका मूवमेंट जो कि ग्रेविटी की तरफ जाते हैं, यानी कि नीचे नीचे ज़मीन के नीचे से जाते हैं ताकि वो वहाँ से मिनरल्स लें, ये लें और वो प्लांट को, तो यानी कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हुआ, कौन सा हुआ, रूट हुआ, इस रूप में जियोट्रॉपिज्म है, और स्टेम जो हुआ वो नेगेटिव हुआ, वो सनलाइट की तरफ जाता है, तो ये हो गया जियोट्रॉपिज्म। थर्ड होता है आपका केमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, जो कि आपको केमिकल्स, जितने भी तरह के केमिकल्स से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी प्लांट्स आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा केमिकल सीक्रेट करता है, ओवरी जो है, और उसमें पॉलन ट्यूब से जितने भी उसके मेल पार्ट्स होते हैं, मेल पॉलन ग्रेन्स, वो इसी केमिकल सीक्रेशन से होकर के, जो सीक्रेशन ओवरी सीक्रेट करता है वो उसी से अट्रैक्ट होकर के पॉलन ट्यूब से नीचे फर्टिलाइज करने के लिए चले जाते हैं। तो कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें इस तरह का मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, जैसे पॉलन ट्यूब घूम रहा है, लेकिन पॉलन ओवरी जो है वो कुछ सिक्रेशन दे रही है, बहुत स्मेल, अच्छा सिक्रेशन, तो क्या है, पॉलन ट्यूब जो वंडरिंग कर रहा है, घूम रहा है, वो सीधे जो है वो स्टाइल से होते हुए सीधे इससे अट्रैक्ट होते हुए किसी केमिकल से अट्रैक्ट हुआ, वो उसको आता है, उससे फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद वो डिवीज़न होता है और फिर नया प्लांट बनता है ना। तो जो भी ओव्यूल या ओवरी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है तो ओवरी सीक्रेट करता है केमिकल, तो एक हो गया कीमोट्रॉपिज्म। अब आपको एक एग्जांपल और भी देते हैं, जितने भी मशरूम्स हैं और ये जितने भी मोल्ड्स हैं, फंगस है, ये कैसे ग्रो करते हैं, ये एकदम डिकेड वेस्ट मटेरियल में, सैप्रोफेटिक, जहाँ पर कुछ गंदगी सब रहती है, वहीं पर आप सांप का छत्ता ग्रो कर जाता है,
तो क्या करते हैं वो, वहाँ पर एक कुछ इस तरह का सीक्रेशन होता है, केमिकल रहता है कि वहाँ पर उस तरह के प्लांट्स जो हैं वो फंगस ग्रो कर जाते हैं, उनको वो केमिकल अच्छा लगता है और वो उसी में से सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर के वहाँ पर एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है और उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंगल, फंगल हाइफा बोलते हैं या मशरूम्स बोलते हैं या मोल्ड बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर के केमिकल, वहाँ पर कोई भी अच्छा प्लांट्स नहीं जाएगा, जो केमिकल से अट्रैक्ट नहीं होगा वो वैसे प्लांट्स नहीं जाएंगे, वो स्पेशल टाइप के प्लांट जो फंगस वगैरह होते हैं, मशरूम्स होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, वो केमिकल से अट्रैक्ट, केमिकल टाइप के मूवमेंट, वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं और वो उसी में को उसी से न्यूट्रिएंट्स लेकर के वो ग्रो कर जाते हैं। यानी कि ये भी एक तरह का केमिकल भी कुछ अट्रैक्ट करता है कुछ प्लांट को। उसके बाद से आपका हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या हो गया हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसको आपको नाम ही से लग रहा है, यानी कि कुछ जो है प्लांट्स जो है वो पानी के पास ग्रो करते हैं, यानी उसको उनको उनका जो स्टिमुलाई है वो वाटर है वो उसको अट्रैक्ट करता है और रूट्स जो है वो पानी के अंदर चला जाता है मिनरल्स लेने के लिए और स्टेम जो है वो सनलाइट की तरफ जाता है। यानी स्टेम क्या हुआ है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया कि वो लाइट की तरफ जाता है और रूट जो होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर जाकर के वहाँ से मिनरल्स लेता है, वाटर्स लेता है और प्लांट्स को पहुँचाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका स्टिमुलाई क्या है पानी हुआ और वो उस तरह के प्लांट को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपका हो गया थग्मोट्रॉपिज्म। ये क्या होता है, जैसे सपोर्ट, जैसे आपने घर में देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं मनी प्लांट्स लगाते हैं या आपको कद्दू लौकी है ना खरबूजा जो फैलने वाले होते हैं इनको क्या होता है कि सपोर्ट दे दीजिए, उनको पता है प्लांट्स को के सपोर्ट मिलेगा और वो फौरन ग्रो करने लगेंगे। तो कुछ इस तरह के हैं, उनका स्टिमुलाई क्या हुआ सपोर्ट हुआ है ना और उनको वहाँ पर हम लोग लगा देते हैं और जो दो दिन प्लांट आप देखिएगा नहीं ग्रो कर रहा है जैसे ही सपोर्ट लगेगा वो उसके चारों ओर कुंडली बना करके वो ग्रो करने लगते हैं है ना। तो वो हो गया थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, कुछ लाइट से अट्रैक्ट होते हैं तो हम लोग ट्रॉपिज्म उसी को ही बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि कोई भी प्लांट जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से अट्रैक्ट करके वो उसी के तरफ उसी के साइड बढ़ता है और इसमें हमेशा एक डायरेक्शन होता है, जहाँ पर उनका स्टिमुलाई होगा वो उसी साइड जाएंगे। अगर उनका लाइट होगा स्टिमुलाई तो वो सारे प्लांट्स लाइट की तरफ जाएंगे, अगर उनका स्टिमुलाई ग्रेविटी होगा तो ग्रेविटी की तरफ जाएंगे। जनरली रूट्स जो होता है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है। कीमोट्रॉपिज्म जो कि केमिकल उसको अट्रैक्ट करता है, उनका स्टिमुलाई केमिकल है तो वो प्लांट उस तरफ चले जाते हैं। फिर हाइड्रो पानी हुआ तो वो जनरली पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पानी वैसा प्लांट जो कि इस प्लांट जो है उनका मूवमेंट पानी की तरफ होता है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और एक थिग्मोट्रॉपिज्म जो कि सपोर्ट। और ये इन सारे प्लांट्स को अगर उस इनका स्टिमुलाई मिल जाएगा तो ये इजीली वे में ग्रो करेंगे, बहुत अच्छे से इनका ग्रोथ होगा और ये आराम से इन सर्वाइव करेंगे। अब है ये भी तो लिविंग थिंग्स है प्लांट है ना। अब है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में टू टाइप्स का होता है, एक होता है सीस्मो और दूसरा होता है निक्टी नेस्टी। अब ये सीस्मो मतलब होता है टच, कोई भी पौधा को आप देख लीजिएगा अगर हम लोग टच करते हैं, कोई भी पौधा नहीं जैसे छुई मुई लाजवंती या उसमें आप अगर आप थोड़ा सा टच कीजिएगा वो सिकुड़ जाएगी, शर्मा जाएगी, उसको बोलते हैं छुई मुई है ना लाजवंती। तो क्यों ऐसा होता है, जैसे कि ये मान लिया कि ये लीफ है तो यहाँ पर एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस। क्या बोलते हैं पल्विनस, ये लीफ है यहाँ पर इसका पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा स्वेलिंग पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस और ये इसका लीफ का पार्ट होता है ना नीचे पेट्रोल के पास, तो इसमें वाटर भरा रहता है। तो जैसे आप लोग पानी में अगर आप लोग पत्थर फेंकते हो तो लहर बनती है ना, लहर जाती है, वैसे जैसे ही आप इसको टच करते हो इसमें से वेव्स उठता है, मतलब लहर जैसी उठती है और यानी टर्गर प्रेशर की वजह से ये पानी आगे बढ़ता है। तो क्या होता है ये सारा पानी इस पूरे लीफ में पहुँच जाने लगता है तो ये सब सिकुड़ जाती है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सारी लीव्स जो है वो फोल्डेड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो इसे हम लोग लाजवंती बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के भी होते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं छुईमुई को, बायोलॉजी बॉटनिकल नेम इसका होता है मिमोसिका पोदिका है ना।
फिर आपको होता है एक तो निक्टिनेस्टी, कुछ आपने देखा होगा रात की रानी, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रात के टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, या उनको पता होता है कि अब रात हो गई, अब हमें सोने का टाइम आ गया है, फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं हो पाता है कुछ भी, और वो रात में और फिर सुबह होता है जग जाते हैं। उनको कोई स्टिमुलाई से मतलब नहीं है, स्टिमुलाई है तो वो अपने जगह है, और ये बस सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये अवेक हो जाते हैं, जाग जाते हैं, इनका सारा सिस्टम चालू हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। और जब रात होती है तो गौर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो जैसे लगेगा प्लांट सब सो गया है ना। तो ये होता है निक्टिनेस्टी। तो इनका स्टिमुलाई क्या हुआ, ये जो डे हुआ, डे भी हुआ, नाइट भी हुआ, रात हुआ तो सो गए, तो इस तरह से स्टोमेटा जो है वो अपना वर्क करने लगा। स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगा। तो जब रात हुआ तो क्या हुआ, ये फिर आराम से डीप स्लीपिंग में चले गए। तो कुछ इस तरह के इनका इस तरह का भी होता है प्लांट। तो ये आपने देख लिया कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन प्लांट्स का मूवमेंट बहुत शॉर्ट होता है, छोटा छोटा होता है, स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है। हम लोगों की तरह नहीं लॉन्ग लोकेशन के एक जंप मारा उधर चले गए, उधर से फॉरलिम से हिंडलिम से काफ़ी दूर तक चले गए, ऐसा नहीं होता है। और ये जो है आपका आपका ये जो मूवमेंट होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में यही डिफरेंस है। लोकोमोशन ह्यूमन बीइंग्स में होता है और ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है, मतलब उसके ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस एनिमल, और प्लांट्स भी है, लेकिन प्लांट्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है। इनको एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलना चाहिए, जब इनको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिल जाता है तो मिलने के बाद ये उसी हिसाब से चलते हैं। और ये जो होता है ना, ये तुम्हारा नेस्ट, ये ट्रॉपिक हो गया, और दूसरा वाला जो हो गया नेस्टिक मूवमेंट, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये जो नेस्टिक मूवमेंट होता है ये चारों डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर अगर एक और प्लांट है, एक और प्लांट है, तो इसको तुम टच करोगे तो ये भी बेचारा सिकुड़ जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएगा पत्ता, लेकिन ये तो है बस वही जो मेरा स्टिमुलाई है, हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे फोटोट्रिज्म में इसका स्टिमुलाई हो गया लाइट, तो बस जिधर जिधर लाइट गया उसी डायरेक्शन में जाएगा। जियोट्रोपिज्म या ग्रेविटी ट्रोपिज्म नीचे की तरफ है ना, ग्रेविटेशन की तरफ ही जाएगा। तो जनरली रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रिज्म। फिर आपको केमिकल, जो केमिकल के से अट्रैक्ट होता है, केमिकल उनका स्टिमुलाई है, वो वहाँ पर ही ग्रो करते हैं, वहाँ पर ही उनका मूवमेंट होता है। और हाइड्रोफाइट्स यानी जो क्या बोलते हैं हम लोग, पानी। तो ये सारे जो है, ये सारे एक मूवमेंट्स हैं जो के प्लांट्स में। बहुत कम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, बहुत ही कम्प्लेक्स तो आपका वो था ह्यूमन बींग्स का था, जो लोकोमोशन हुआ या जो भी आपने उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा, यह प्लांट्स में बिल्कुल भी उतना कम्प्लेक्स नहीं है। बस आप लोग ये टर्म्स याद रखिए, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म, ये दो टाइप के होते हैं। ट्रॉपिक ये एक डायरेक्शन में होता है, स्टिमुलाई से गाइडेड होता है, और नेस्टिक जो होता है इसमें आपका टच होता है, और आपका निक्टिनेस्टिक जो होता है वो डे एंड नाइट है ना। तो यही आपका प्लांट मूवमेंट है, और इसमें मेरा ख्याल से और तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। और इसके बाद इसमें हार्मोन्स जो हैं, इसको इसके पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जो रेगुलेट करते हैं वो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स करते हैं, तो वो हम प्लांट हार्मोन्स में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यही सब एग्जांपल है, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बस नाम से आप देख लीजिए, फोटो का मतलब लाइट होता है, इसलिए आप लोग लाइट से याद रखिए। बस टू टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट याद रखिए, ट्रॉपिज्म और आपका नेस्टिक। तो डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट है ना, डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट बाय दी गाइडेड बाय दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो भी गाइडेड करेंगे प्लांट, उसे ही हम लोग ट्रॉपिज्म कहते हैं। ट्रॉपिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रॉपिक और नेस्टिक। ट्रॉपिक में आपको 5 पॉइंट्स हैं, जो कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म और थर्मोट्रोपिज्म। नेस्टिक में आपको सिर्फ 2 है, एक सिस्टोमोनेस्टी और एक निक्टिनेस्टी। तो सिस्टोनेस्टी में आपको पता है छुई मुई, जो टच करने से, जैसे आप टच कीजिएगा वो सिकुड़ जाएगा ड्यू टू टर्गर प्रेशर, क्योंकि उसमें वाटर प्रेशर, वाटर रहता है, वाटर आगे भागेगा और उसको मतलब वो सारे फोल्डिंग हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे उस डायरेक्शन में। और सेकेंड है आपका निक्टिनेस्टी, जो कि डे और नाइट के हिसाब से ही उनका मूवमेंट होता है, यानी उनका ये सब स्लो मूवमेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन। ठीक, ओके, थैंक यू।